हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर लाइव ऑन अकेडमी नीट लाइव डेली। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 6 है। हम इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। आज बारी है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की और इसे थोड़ा सा समझने की। अच्छे सवाल इस पर भी बन सकते हैं, अच्छी चीज़ें इस पर भी आ सकती है। तो वही जो हमने सर्कुलर कॉइल, स्क्वायर कॉइल और ट्राइंगुलर कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस सीखे थे बच्चों, आज हम सीखेंगे उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, जरा स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, मीट दिस टॉप टीम ऑफ अनअकैडमी नीट बट जस्ट क्लासिक फ्यूजन ऑफ बेस्ट ऑफ द टीचर, बेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये वो टीम है जो आपको आपके सपने की जिंदगी तक पहुंचा सकती है बच्चों। ये वो टीम है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यहां पर आपको मिलेंगे सचिन कपूर सर, डॉक्टर सचिन कपूर सर, जिन्होंने एम्स, AIPMT और DPMT तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया है बच्चों। अश्वनी त्यागी सर, जिन्होंने कई सारे सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस किए। नमो कॉल सर, जिन्होंने कई बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में मदद करी। माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम BTech गोल्ड मेडलिस्ट एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट 8 years and produce lots of rank in medical as well as in JEE बच्चों। अब इस बेहतरीन टीम के साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं बच्चों, तो अपने फोन में टेलीग्राम ऐप फटाफट से डाउनलोड करो। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, उसके बाद में tinyurl.com/NEETLIVECHAT, इस URL को अपने फोन के ब्राउजर में जाकर एंटर कर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। 10,500 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी जल्दी करिए, ठीक है जी। नाउ YouTube पर तो ये फैंटास्टिक टीम आपको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी की मदद से क्वालिटी कंटेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू अनाउंसमेंट आपको दे ही रही है बच्चों। बट इफ यू वांट टू गिव एन एक्स्ट्रा एज टू योर प्रेपरेशन, देन प्लस इज द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बच्चों। इंडिया का ये सबसे बेहतर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां पर बच्चों की प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, क्विजेज हैं बच्चों, वीकली क्विजेज हैं जो यहां पर होते रहते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे क्विजेज आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है। और क्या बात ही हो जाए कि अगर कंट्री के टॉप एजुकेटर उन डाउट को लाइव इस तरह से आपके सामने क्लियर करें बच्चों। मोर पर्सनलाइज्ड वे में नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू, बट एज वेल कोटा और दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स भी यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स में हम जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो हमारा जो वहां पर है वो भी हमारा हो गया और जो आने वाला है वो भी हमारा हो गया। सिमिलर टू दैट यहां पर भी बच्चों, एक सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आपका और जो आने वाला है वो भी आपका, ठीक है जी। सो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल। करना क्या, आपको फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें बच्चों, इंस्टॉल दिस एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग गो टू द प्लस सेक्शन, एंड प्लस पे जाने के बाद में सेलेक्ट नीट यूजी कैटेगरी, देन आपको मिलेगा बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में यहां पर कई सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन सबसे फायदेमंद होंगे आपके लिए 1 ईयर का एंड 2 ईयर का। यू कैन ऑल्सो गो फॉर 6 मंथ एज वेल। तो अगर कोई 11th स्टैंडर्ड में है या 10th स्टैंडर्ड में, जो कि 11th मूविंग है बच्चों, इन दोनों के लिए आई विल सजेस्ट यू 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सोने पे सुहागा होगा बच्चों। एंड इफ यू यूज दिस कोड नीट लाइव, तो ये क्वालिटी एजुकेशन आपको बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा बच्चों। एंड ये आपको पड़ेगा मात्र और मात्र 60 रुपीज पर डे में। इमेजिन इतना पैसा हम आने जाने में खर्च कर देते हैं, राइट जी। तो क्वालिटी को अफोर्डेबल प्राइजेस पर बनाया है अनअकैडमी ने, दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल बच्चों। यूज दिस कोड नीट लाइव टू चेंज योर लाइफ बच्चों, टू कम ऑन द प्लस, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस, आज हम पढ़ेंगे जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। और आज का जो कॉट है उसको मैं बस ऐसे बोल के बता देता हूं, है ना जी। तो ध्यान रखिएगा, हम सबके गले में है ना, मेरी बात बहुत आपको अलग लग सकती है, आप में से कईयों को इस बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो बातें सच्ची होती है बच्चों वो कड़वी भी होती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सबके गले में डर की एक रस्सी बंधी है, हम सबके गले में फियर का एक पट्टा बंधा है बच्चों। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो डर की उस रस्सी को काट दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। बोलेंगे सर अब इसका मतलब क्या है, समझाता हूं बच्चों। जो जिस गले में जो हम, या यूं कह दीजिए कि गले में बंधी रस्सी, और हम उस रस्सी से, रस्सी को कहीं पर खूंटी गाड़ कर बच्चों हमने वहां पर अपने आप को बांध दिया है, अब हम वहां से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रिंग बच्चों, एंड साइकोलॉजिकल आपके पास में बैरियर है। बात मैं ये कर रहा हूं कि आप में से कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फियर में पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो कहेंगे सर हम तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आप आनंदित पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एक डर के चलते कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे जीवन में ये हो जाएगा, और उस डर के चलते आपके दिमाग आपके आपके माइंड में हर वक्त एक पर्टिकुलर फियर है बच्चों, और उस फियर के चलते आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फोकस्ड नहीं है बच्चों, वो बट जा रहा है, और जब वो बट रहा है तो आपको फिर उतना ज्यादा आउटपुट भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप आनंदित होकर पढ़ने की कोशिश करो, आप मजे के लिए पढ़ने की कोशिश करो, आप कोशिश करो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको आनंद मिल रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक कि जब आप एक सॉन्ग जब आप सुनते हैं तो आप पूरी दुनिया को भूलकर बस केवल उस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, तो जब आप पढ़ाई करने भी बैठे तो बच्चों यही करें कि आप सब कुछ भूलकर केवल उस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करें, आपका जीवन बदल सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर ये कॉइल अगर पास में आती है बच्चों, इस वाली कॉइल के जो ब्लैक कलर की कॉइल है, ब्लू कलर की कॉइल जब इसके पास में आ रही है तो आप देखोगे इस ब्लैक कलर की कॉइल से अटैच्ड यहां पर जो आपका पोटेंशियोमीटर है, या यू कह दीजिए कि सर गैल्वेनोमीटर है, या फिर यू कह दीजिए सर आपका EMF मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका निडल यहां पर डिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों। इसका मतलब यहां पर क्या है सर कि इसके वेरिएशन इसके पास आने से जो फ्लक्स है बच्चों, इस ब्लैक वाली कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज करेगा, बिकॉज जितना ये कॉइल क्लोजर आएगा उतना ज्यादा यहां से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है बच्चों तो उससे लिंकेज फ्लक्स भी बदलता जाता है, तो अगर इससे लिंकेज फ्लक्स बदलेगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा बच्चों। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पर अगर हम बात करें, वही यहां पर समझाने की कोशिश करिए कि व्हेन द करंट पासिंग थ्रू अ सर्टेन कॉइल इज वेरिएबल, जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, अगर इस प्राइमरी कॉइल में आप अगर करंट को वेरी करोगे, ये यहां पर करंट का वेरिएशन भी आपको दिखाया गया है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है बच्चों, तो कभी करंट जीरो, कभी उसके पीक पर होगा, कभी नेगेटिव पीक पर होगा, तो करंट इज साइनोसॉइडल लाइक दिस, वेरी लाइक दिस बच्चों। तो यहां पर इस प्राइमरी कॉइल में करंट वेरिएबल है बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड at the place of the secondary coil, and that magnetic field is because of this primary coil. तो primary coil का magnetic field जो कि secondary coil की position पर है वो भी बदलेगा बच्चों। जब current बढ़ेगा तो field बढ़ेगी बच्चों, मतलब इससे linkage flux change होगा, और जब इससे linkage flux change होगा तो यहां पर एक particular induction आ जाएगा बच्चों, जिसे हम कहेंगे mutual inductance। क्या कहेंगे बच्चों? Mutual induction। अब समझाते हैं सर, और भी कई सारे examples से आपको यहां पर देख लीजिए, beautiful से visualization से आपको explain करने की कोशिश की गई है। वन कॉइल वी हैव प्राइमरी, और प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट यहां पर वेरी कर रहे हैं बच्चों, तो देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इस सेकेंडरी कॉइल से क्रॉस करेंगे, और सेकेंडरी कॉइल में एक फ्लक्स इंड्यूस, एक यहां पर फ्लक्स में चेंज होगा बच्चों, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स एक EMF इंड्यूस होगा, और उस EMF के चलते यहां पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक बात यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, जो यहां पर कहानी लिखी है मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जितना ज्यादा आप यहां पर करंट में वेरिएशन करेंगे उतनी ज्यादा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, एंड फ्लक्स को क्या लिखते हैं, नॉट ओनली फाई, आपको लिखना पड़ेगा एन फाई, बिकॉज देर आर सो मेनी टर्न्स, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों एन इंटू में फाई, जहां पर एन क्या होगा, एन फॉर द सेकेंडरी, फाई क्या होगा बच्चों, फाई फॉर द सेकेंडरी, क्योंकि यहां पर हम फ्लक्स इसका देख रहे हैं, फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी, दैट इज व्हाई मैंने इनको इस तरह से लिखा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई प्राइमरी। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, जिसमें B क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और B होता है करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो करंट किसका, प्राइमरी कॉइल का, तो जो वेरिएशन आप प्राइमरी कॉइल में करोगे करंट के, उसकी वजह से लिंकेज फ्लक्स सेकेंडरी का चेंज होगा, दैट इज व्हाई आई रोट दिस इक्वेशन लाइक दैट बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारी चीजें मैं लिखकर लाया हूं ताकि आपको कम से कम दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। सो एन सेकेंडरी इनटू में यहां पर आप लोगों के फाइव सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्राइमरी। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक और एग्जांपल से यहां पर समझाने की कोशिश करिए, देखो कॉइल वन एंड कॉइल टू, अगर आप कॉइल वन में करंट चेंज करोगे तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल विल चेंजेस, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होंगे बच्चों इससे लिंकेज फ्लक्स चेंज होगा, और वह लिंकेज फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन आई। अगर इस आई को आप कांस्टेंट कर दो, अगर आप इस आई को कांस्टेंट कर दो और ये दोनों कॉइल की पोजीशन भी कांस्टेंट हो, मतलब एक दूसरे के आसपास मूव ना करें, तो फिर आप बोलोगे सर यहां पर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, जब यहां पर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो उस चेंज को अपोज करने के लिए EMF भी नहीं आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा बच्चों। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ
तो आप क्या बोलोगे सर, चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं सर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्राइमरी कॉइल में आप करंट को वेरी करोगे तो जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी का चेंज होगा, एंड दैट फ्लक्स इज व्हाट। तो आप बोलोगे सर एन टू फाइव टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन, आई वन क्या है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल बच्चों। सो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे हम एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों में इसको, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एज सिंपल एज दैट, राइट जी। अब यहां पर लिखा है कि दिस एम डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ओनली, मतलब ये करंट पर डिपेंड नहीं करता। अब मैं आपको समझाऊंगा कि करंट पर डिपेंड कैसे नहीं करता, लेट आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट वेट एंड वॉच बच्चों, राइट। अब अगर हम बात करें सर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसकी बात करेंगे बच्चों, हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, तो वो हमें पता है सर एप्सिलॉन, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहां पर आप फाई को क्या लिख सकते हो सर, यहां पर आप फाई को लिख सकते हो सर एम आई डिवाइडेड बाई एन टू, नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां पर दिए होंगे तो आपको वो भी लिखना पड़ेंगे बच्चों। यहां पर मैंने जो लिखा है रिजल्ट, ये नंबर ऑफ टर्न्स एन टू का वैल्यू वन मानकर लिखा हुआ है, प्लीज बी केयरफुल जब आप इस रिजल्ट को यूज करें। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डीआई बाय डीटी। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हमने क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल इनटू में डीआई बाय डीटी, अ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग केस बच्चों, राइट जी। बड़ी मजेदार कहानी होती है यार, आपको ना फिजिक्स में ज्यादा बर्डन नहीं लेना होता है, आपको फिजिक्स में ना मजे करने होते हैं, इंजॉय करो फिजिक्स को, फिजिक्स को एंजॉय करो, केमिस्ट्री को एंजॉय करो, बायोलॉजी को एंजॉय करो, बायोलॉजी को तो वैसे भी तुम एंजॉय करते हो यार, पता नहीं फिजिक्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ठीक है। तो इंजॉय जब करने लगते हो सब्जेक्ट को, जब आनंद की प्राप्ति होने लगती है बच्चों ना, तो डर अपने आप भाग जाता है, और जब डर भाग जाता है, या यूं कहो कि डर जब भगा दोगे तो आनंद आ जाएगा, और जब आनंद आएगा बच्चों तो तुम्हें सब्जेक्ट को याद रखने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे बच्चों, सहज भाव से आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। जस्ट लाइक जब आप नॉवेल पढ़ते हो ना, कोई भी नॉवेल आप पढ़ते हो, आपने आज से पहले कभी कोई नॉवेल पढ़ी होगी तो उस नॉवेल को आपने याद रखने की कोशिश नहीं करी होगी, जस्ट आपने उसको मजे के लिए पढ़ा, और वो नॉवेल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको याद रह गया, और जब भी सालों बाद भी अगर आपके दोस्तों के बीच में उस नॉवेल का जिक्र होता है तो आप बखूबी उसमें इंटरेस्टफुली पार्टिसिपेट करते और बताते कि हां मैंने भी पढ़ी और उसमें ऐसा 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 लिखा था। आप ही तो थे, आप ही ने पढ़ा, आपने याद रखने की कोशिश करी भी नहीं, लेकिन आपको पूरी की पूरी नॉवेल याद रह जाती है, ऐसा क्यों बच्चों? प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, समझो इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसे मजे के लिए पढ़ा था, आनंद के लिए पढ़ा था, तो जिस चीज को आप आनंद के लिए करते हो ना, तो आपके हमारा जो दिमाग है उसका केवल 1% हिस्सा ही हम जान पाते बच्चों, उसके अगर 10 हिस्से कर दूं तो बाकी के 9 हिस्से हमारे समझ से परे हैं अभी। तो जब आप आनंद की बात करते हो तो हमारे दिमाग के वो 9 हिस्से काम करने लगते हैं, और जब वो 9 हिस्से काम करने लगते हैं आनंद के साथ, तो फिर वो सारी बातें फिक्स होने लगती, फिट होने लगती बच्चों, तो फिर आप कभी नहीं भूल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं डर को भगाओ और आनंद को अपने जीवन में लाओ। चलिए, सो यहां पर देखो अभी क्या पढ़ा सर हमने, N2 phi2 is equals to MI। अब यहां पर देखो N2, भाई आप phi2 को क्या लिखोगे, phi2 is the flux linkage with, phi2 को क्या बोलेंगे बच्चों, तो phi2 को हम बोलेंगे सर this is nothing but known as, ये हो जाएगा बच्चों आपका flux linkage with, कहां पर, तो आप बोलेंगे सर flux linkage with secondary coil, सॉरी बच्चों flux linkage with this is what, तो आप बोलेंगे सर flux linkage with secondary coil, secondary coil के साथ linkage flux होगा, और सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंकेज फ्लक्स होगा, इसको क्या लिखेंगे, फ्लक्स को हम लिखते हैं सर जी, फ्लक्स को हम लिखते हैं सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। अब यहां पर कॉस थीटा, क्योंकि वो वेरिएशन आपको किस तरह से देखना था, हम यहां पर बोलेंगे सर दिस इज आपका कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज हमारा प्लेसिंग जो होगा कॉइल्स का वो इस तरह से होगा कि एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, सो कॉस का वैल्यू मैंने 0 कर दिया, सॉरी बच्चों दिस इज हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी होनी चाहिए B1, और ये एरिया होना चाहिए किसका बच्चों, A2 का। सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, B1 मैंने इसलिए लिखा, B1 का मतलब है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कॉइल, कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको यहां पर लिखना है, ये थोड़ा सा यहां पर सुपरविजन में ध्यान रखना है बच्चों। सो ये हो जाएगा सर आपका M इज इक्वल टू B1 N2 A2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है जी, जहां पर B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
फर्स्ट कॉइल एट द प्लेस ऑफ द सेकेंड कॉइल, बच्चों एट द सेंटर ऑफ द सेकेंड कॉइल, एन टू क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल जिसके जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, ए टू क्या होगा बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, एंड आई वन क्या होगा बच्चों करंट। तो यहां पर करंट पर तो डिपेंड करता ही नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्यों? क्योंकि जब आप बी वन का वैल्यू रखोगे तो बी वन में ऊपर आई वन आ जाएगा बच्चों और वो आई वन से आई वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलर टू दैट जैसा हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। तो डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पर डिपेंड किसके पे करेगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन वन एंड एन टू ऑफ बोथ द कॉइल्स। सर दोनों कॉइल्स पर क्यों डिपेंड करेगा? अरे बड़ा आसान है यार, दोनों कॉइल्स पर डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि जब आप एम को लिखोगे, जब आप इस बी को लिखोगे ना, जब आप इस बी को लिखोगे तो इस बी वन में क्या होगा बच्चों, ये बी वन एन वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये बी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन भी होगा। तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से रखिएगा। तो मैं यहां पर चलो मैं केवल ऐसे समझा देता हूं, राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। इस बी वन की अगर आप बात करोगे तो ये बी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन1 होगा बच्चों और ये बी1 जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई1 भी होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल में उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, उतना जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा बच्चों। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि आई से आई तो कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों, लेकिन एन1 और फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा, इसलिए डिपेंडेंस में कहा है एन1 और एन2 दोनों पर डिपेंड करेगा। बहुत प्यारी सी बात है, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड N2 बोथ द कॉइल्स। अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा कि रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। उस रिलेशन से कहा है कि दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स, ऑब्वियस बात है भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो कुछ और होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सोलेनॉइड है तो कुछ और होगा, क्रॉस आपका स्क्वायर सेक्शन है तो कुछ और हो जाएगा, और अगर उनके भी साइज आप वेरी करोगे तो यहां पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी करेगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब अगर आपका एयर है तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है सर 4π × 10⁻⁷ हो जाएगा, लेकिन अगर आप एयर को रिप्लेस करके सॉफ्ट आयरन डाल दोगे तो सॉफ्ट आयरन का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है बच्चों। जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो वेरिएशन इन द फ्लक्स ज्यादा होंगे, वेरिएशन इन द फ्लक्स ज्यादा होंगे बच्चों तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, म्यूचुअल एंड सेल्फ दोनों ही डिपेंड करते हैं बच्चों किसके ऊपर, तो म्यू की वैल्यू पर। अगर आप सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में सोलेनॉइड का जो कोर है उस कोर में अगर हवा है, एयर है, अगर आप उस एयर को निकाल के उसमें अगर बच्चों क्या डाल दोगे, अगर आप उसमें डाल दोगे सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन का परमिएबिलिटी चूंकि ज्यादा होता है इस वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, तो यहां पर आप बोलोगे सर उसका सेल्फ इंडक्टेंस और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों भी बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, इट्स अ बट ऑब्वियस केस, भैया जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी अगर पास पास रखोगे, सपोज यहां पर एक कॉइल है, ठीक है, यहां पर सेकेंडरी कॉइल है, यहां पर प्राइमरी कॉइल है, अब प्राइमरी कॉइल में अगर आप वेरिएशन करोगे तो बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स यहां से क्रॉस करेंगी बच्चों सेकेंडरी से। अब जितनी ज्यादा आप इसे दूर करते जाओगे उतने कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, उतना कम फ्लक्स यहां पर जनरेट होगा, उतना कम फ्लक्स चेंज होगा, और जितना कम फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही कम ईएमएफ जनरेट होगा, उतना ही कम यहां पर सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा बच्चों, राइट जी। लेकिन सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट सेल्फ, राइट। तो जितना आप उसे क्लोजर करके लाओगे, जितना आप उसे पास लाओगे बच्चों, उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे, और जितने ज्यादा चेंजेस आपको फ्लक्स में ऑब्जर्व होंगे उतना ही ज्यादा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट इज लिखा है डिस्टेंस के साथ कैसा होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेसर विल बी द डिस्टेंस, मोर विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोर विल बी द डिस्टेंस, लेस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिएंटेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, फॉर 90 डिग्री ओरिएंटेशन नो फ्लक्स रिलेशन, मतलब एम इज इक्वल टू जीरो। अब ये समझाता हूं, ये कहानी है क्या बच्चों, राइट। अब यहां पर देखिएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा, राइट जी, इसके लिए आप हम चलते हैं बच्चों ब्लैक स्क्रीन पर। अभी हमने यहां पर क्या सीखा सर, कि अगर मेरे पास यहां पर एक कॉइल हो सर, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज व्हाट आई हैव, तो मैं इसको कहूंगा सर दिस इज माय प्राइमरी कॉइल। समझना बच्चों ध्यान से, ये कैसी कॉइल है सर, तो दिस इज माय प्राइमरी कॉइल, और अगर इसके साथ साथ मैं बना दूं यहां पर सेकेंडरी कॉइल, ऐसी वाली बना दी मैंने, कैसी बना दी बच्चों सेकेंडरी कॉइल, येलो कलर से बना रहा हूं,
प्यारा सा सर्किट डायग्राम आपको यहां पर नजर आएगा। सो इसको मैं कहूंगा बच्चों दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल हो गई बच्चों? सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब यहां पर समझना भाई, अगर इसमें करंट की बात करोगे, अगर आप इसमें करंट की बात करोगे, सपोज इसमें करंट ऐसा है, मान लीजिए मैंने करंट ऐसा ले लिया, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड्स इसमें ऐसी होंगी बच्चों। तो यहां पर बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड्स, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूं प्यारे फ्यूचर डॉक्टर, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे सर? सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? फाइ टू इज इक्वल टू बी वन इंटू में आप लिख दोगे बच्चों ए टू। ये मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप एक केस ऐसा और बना देते हो कि सर यहां पर आपके पास एक कॉइल है और एक कॉइल आपने यहां पर ऐसी बना दी, अब यहां पर समझना ध्यान से, ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको बात समझ में आ जाएगी, आई एम गारंटीड यू राइट जी। यहां पर आपके पास ये है कॉइल ऐसी, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे सर, अगर करंट आपने मान लीजिए इस तरह से लिया, इसमें करंट आपने मान लीजिए इस तरह से लिया, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर कैसी होंगी बच्चों? तो इसका एरिया वेक्टर तो कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कैसी होंगी सर? तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली यहां पर कैसी हो जाएंगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल। नियरली कैसी हो जाएंगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल। तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए सर कि अगर हम इस केस में देखें, सेकेंड वाले में, जिसमें मैंने इस वाले कॉइल और इस वाले कॉइल के एक्सिस के बीच में एंगल कितना कर दिया बच्चों? 90 डिग्री। तो आप यहां पर बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर हो जाएगा, बी वन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर ए टू, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सो फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स लिंकेज विद सेकेंडरी जीरो हो जाएगा, तो चाहे आप इस प्राइमरी में करंट चेंज करो, चाहे आप इस प्राइमरी में करंट चेंज मत करो, आपको यहां पर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं मिलेगा, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा बच्चों तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। इसी को ही समहाउ हम कपलिंग भी कहते हैं। यही जो अरेंजमेंट है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? कपलिंग, राइट जी। तो जितना पास होगा उतनी ज्यादा कपलिंग, जितना दूर होगा उतनी कम कपलिंग, और अगर 90 डिग्री ओरिएंटेशन पर रख दिया तो देयर इज नो कपलिंग बच्चों। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से हमें समझना होता है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है जो बात आपने अभी समझी ना, ये इसके बारे में बोल रहा है, ओरिएंटेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के एक्सिस के बीच में आपने कितना रख दिया बच्चों? एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की दृष्टि से बच्चों। नेक्स्ट आता है यहां पर कपलिंग फैक्टर के। अब कपलिंग फैक्टर हम किसे कहते हैं सर? कपलिंग फैक्टर आगे चल के और आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी यही समझ लीजिए जो एग्जांपल अभी मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन पर दिया, उसी को हम कपलिंग फैक्टर कहते हैं बच्चों। तो कपलिंग फैक्टर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब इन विच मैनर यू हैव ओरिएंटेड योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, वो बहुत ज्यादा पास पास है या बहुत ज्यादा दूर दूर है, या वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है बच्चों। अगर वो बहुत ज्यादा पास पास, तो उनका कपलिंग फैक्टर ज्यादा होगा। अगर उनको बिल्कुल चिपका दो, जैसे सोलेनोइड के केस में, एक सोलेनोइड के अंदर दूसरा सोलेनोइड होता है, अभी एग्जांपल हम करेंगे आपको बात समझ में आएगी, तो वहां कपलिंग फैक्टर 1 हो जाता है बच्चों। बाकी सारे केसेस में कपलिंग फैक्टर इज 0 to 1 के बीच में होता है, और यहां पर 0 कब हो जाता है कपलिंग फैक्टर? जब आपका एंगल 90 डिग्री हो जाता है, जो अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, ठीक है जी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सवाल कर लेते हैं, बात समझते हैं। द करंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 एम्पीयर टू 0 इन 0.01 सेकेंड इन द प्राइमरी कॉइल, ओके जी। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 15,000 volts इन द सेकेंडरी कॉइल, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी विल बी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बात ऐसी है कि हमने पढ़ा था सर एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका DI/DT। ये क्या है DI/DT? तो आप इसको बोलोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। कहां पर बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन विच कॉइल बच्चों? तो इन द प्राइमरी कॉइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये लिखना बहुत जरूरी है। ईएमएफ जो सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ बच्चों, वो हो जाएगा आपका यहां पर 15,000 volt इज इक्वल टू, भाई आपको यहां पर चाहिए एम का वैल्यू है ना, तो मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? इसका केवल मैग्नीट्यूड, प्लस या माइनस हम फिर बाद में समझ लेंगे। ये एम हो गया। DI/DT कहां से कहां जा रहा है? तो चेंज इन करंट होगा बच्चों 3 एम्पियर से 0, मतलब आप यहां पर बोलोगे सर 3 to 0 हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा बच्चों? 3 to 0। या फिर अगर आप इसको माइनस को खत्म भी करना चाहते हो ना, तो 3 to 0 लिखने के बजाय 0 - 3 लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों।
और यहां पर करंट कितना लिखोगे 0.01, तो वैल्यू आ जाती है सर, ये जब आकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम का वैल्यू हो जाएगा सर आपका 15,000 इनटू में हो जाएगा बच्चों 0.01 एंड होल डिवाइडेड बाय आप कितना लिखोगे तो सर ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहां पर अगर जीरो हटाएंगे तो नीचे क्या 100 करेंगे बच्चों, ये 100 दो जीरो को खत्म कर देगा, तो कुल मिलाकर सवाल ऐसा आ जाता है सर कि ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा सर, दिस इज आपका 50, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वैल्यू बच्चों, हेनरी में ही आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वैल्यू, क्योंकि सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट्स में थी, 15,000 मिली वोल्ट्स में नहीं था, वोल्ट्स में था, ठीक है। तो ये हेनरी में आपका आंसर आ गया। अब कुछ सर्टेन ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस जब करवाया तो मैंने सर्कुलर कॉयल का, स्क्वायर कॉयल का, ट्राइंगल कॉयल का और सोलेनॉइड का सबका करवाया था, तो बच्चा एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया राइट और कहते हैं कि सर आपने क्वेश्चंस नहीं करवाए। बच्चों मैं ये जो करवा रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉयल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ आप यहां पर बोलेंगे सर स्क्वायर कॉयल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ट्राइंगुलर कॉयल, ये सवाल ही तो है, ये अपने आप में क्वेश्चंस ही हैं, इनको सीख कर ही आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉयल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, और सर्कुलर कॉयल में किसकी, तो देखो कॉयल हैविंग एन वन टर्न्स, रेडियस आर वन, जिसका रेडियस आर वन है, सराउंडेड बाय अनदर कॉयल हैविंग टर्न्स एन टू एंड रेडियस आर टू। मतलब ये कहा है बच्चों की जो छोटी वाली कॉयल है इसका रेडियस आपको यहां पर आर वन दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स इसका एन वन है बच्चों, और जो बाहर वाली कॉइल है उसकी रेडियस R2 है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों N2 है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द दिस छोटा वाला कॉइल, राइट, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट वन। अगर हम कोई भी करंट में चेंज करेंगे बच्चों आउटर कॉइल से, तो उस आउटर कॉइल की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है यह कहानी मैंने आपको सिखाई थी, चलिए जरा आपको बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है। जस्ट बिफोर दैट, राइट, एम को कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप ले जाइए और यूज करिए यहां पर सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो जब हम यहां पर यूज करेंगे तो हम जानते हैं सर म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, आप यहां पर बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्न्स किसके, सेकेंडरी के। Getting my point or not? यहां पर क्या लिखोगे बच्चों B1, यहां पर क्या लिखोगे सर A2 and whole divided by आप यहां पर क्या लिखोगे सर करंट आपका I1। चलिए लिखते हैं कहानी। तो भाई साहब N2 तो अपनी जगह as it is रहेगा, I1 अपनी जगह as it is रहेगा, instead of writing B1 आपको क्या लिखना पड़ा। अच्छा एक बात है यहां पर, मैं N2 की जगह N1 लिखूंगा, क्योंकि जो अंदर वाली कॉइल है ना, जो अंदर वाली कॉइल है बच्चों वो 1 दिया है यहां पर, अंदर वाली कॉइल को हमने 1 बोला है और बाहर वाली कॉइल को हमने 2 बोला है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा N1, इसको लिखूंगा B2, इसको लिखूंगा 1 और इसको लिखूंगा I2 बच्चों। तो यहां पर भी चेंजेस हो जाएंगे सर, दिस आल्सो चेंज, ये हो जाएगा N1 और ये हो जाएगा I2। समझ में आ रहा है बच्चों, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स जो छोटी वाली कॉइल है और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है जो बाहर वाली का है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आउटर सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ दिस इनर सर्कुलर कॉइल कितना होगा, तो भैया किसी सर्कल के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर म्यू नॉट, और उसमें जाने वाला करंट जो I2 होगा, यहां पर मैं इसको I2 की जगह I लिख दूंगा बच्चों बाद में, I2 इज इक्वल टू I क्योंकि करंट I दिया हुआ है, तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे सर 2 पाई, और रेडियस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय आप यहां पर क्या लिखेंगे सर, सॉरी पाई नहीं आएगा बच्चों, रेडियस आएगी सर यहां पर इसका रेडियस, और वो आ जाएगा नीचे R2, रेडियस क्या आ जाएगा बच्चों R2। ये तो था वैल्यू, लेकिन ये एक सर्कल के कारण आएगा, बहुत सारे सर्कल्स अगर होंगे तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों N2 से, और उसके बाद में यहां पर आपको क्या लिखना है सर, यहां पर आपको लिखना है वैल्यू किसका, A1 का वैल्यू लिखना है। A1 क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो। आप किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, आप कर रहे हो बच्चों छोटी वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसका एरिया लेना पड़ेगा, उसका एरिया क्या लोगे, तो वो हो जाएगा सर आपका पाई आर वन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो I2 से I2 का पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस I पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। वैल्यूज अगर आप देखोगे तो M का वैल्यू आ जाएगा सर आपका N1
एन टू, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट, एन वन एन टू म्यू नॉट, और ऊपर हो जाएगा बच्चों आपका पाई आर वन स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा बच्चों आपका टू आर टू. दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स. बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो कितना आसान होता है अगर हमें तरीका पता हो. बस तरीका पता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते जाइए. हाँ, लेकिन चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट नहीं करना आता, मतलब अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आप इंडक्टेंस वाले चैप्टर में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं बच्चों. राइट जी, चलिए वही चीजें यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताइए, और आप देखोगे तो रिजल्ट हमारा जो आया है सेम रिजल्ट हमने यहां पर आपको पूरा डिराइव करके बता दिया बच्चों. राइट, अब सवाल है स्क्वायर कॉइल कर दिया जाए बच्चों, कैसा कर दिया जाए स्क्वायर कॉइल. अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर कॉइल अगर कर दिया जाए और हमें यह पता नहीं है भाई इसकी साइज तो दी, इसकी साइज नहीं दी, इसकी साइज कुछ भी मान लो, चलो इसकी साइज मान लेते हैं L बच्चों, इसकी साइज मान लेंगे L. हालांकि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस L का वैल्यू पता होगा कि वो a बाई टू है, या फिर पता होगा कि वो a बाई थ्री है. इस L का साइज आपको गिवन होगा बच्चों. तो दो स्क्वायर कॉइल हैं, एक दूसरे के अंदर रखी हुई है. हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है सेकेंडरी कॉइल पर बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी कॉइल. इफ वी चेंज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, अगर करंट में चेंज नहीं होगा तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां से लाओगे बच्चों. राइट जी, तो इधर देखो जरा, यहां पर अगर आपके पास आई है सॉरी, तो ये इसको हम कहेंगे बच्चों सेकेंडरी कॉइल, और इसको हम कहेंगे सर प्राइमरी कॉइल. अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, तो आप लिखोगे सर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इनटू, में आप लिखोगे सर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, और उसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इनटू, में आप लिखोगे सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्राइमरी, एंड इनटू में क्या लिखोगे बच्चों एरिया ऑफ द सेकेंडरी एंड होल डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी. क्या लिखोगे बच्चों करंट इन द प्राइमरी. अब मैं सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, देखिएगा आपको कितना आसान तरीके से बात समझ में आ जाती है. तो सबसे पहला काम है बिकॉज ऑफ दिस बिग स्क्वायर, इसके सेंटर पर, इस छोटे वाले स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. और अगर फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो मेरे ख्याल से ज्यादा तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए भाई. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे सर a by 2, और ये वाला एंगल कितना होगा सर 45, और ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों 45. इस टोटल अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O निकालना है बच्चों, तो वो हो जाएगा सर मैग्नेटिक फील्ड b1 वेक्टर प्लस आप बोलोगे सर b2 वेक्टर प्लस आप बोलोगे बच्चों b3 वेक्टर एंड प्लस आप बोलोगे सर b4 वेक्टर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं तो फिर कैसे कैलकुलेट करना मैं ये भी बता देता हूं. राइट, चूंकि यहां पर करंट सेम डायरेक्शन में है तो सारे सेगमेंट्स मैं अलग अलग सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर दूं बच्चों, इसको मैं कहूंगा सर सेगमेंट वन, इसको मैं कहूंगा बच्चों सेगमेंट टू, इसको मैं कहूंगा बच्चों सेगमेंट नंबर थ्री, एंड दिस इज नॉन एज बच्चों सेगमेंट नंबर फोर. अलग अलग चार सेगमेंट्स आपके पास हैं, और इन चार सेगमेंट्स को अगर आप देखते हो तो आपको बात समझ में आ जाएगी सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और चौथे वाले सेगमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर. और चारों के चारों सेगमेंट की लेंथ सेम है, चारों में करंट सेम है, चारों की वजह से जो सेंटर है वो सेम डिस्टेंस पर है, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा बच्चों. और वो क्या होगा, तो एक कैलकुलेट कर लो बी वन. तो बी वन जब आप कैलकुलेट करोगे आप बोलोगे सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे सर फोर पाई, डी की जगह हो जाएगा बच्चों ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर लिखूंगा मैं ट्वाइस टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री. आपको पता है सर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, क्या होता है बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसी को मैंने यहां पर यूज किया है. टू से ये फोर कैंसिल आउट होकर ट्वाइस टाइम हो जाएगा बच्चों. सो बी वन का रिजल्ट आता है सर जी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये हो जाएगा a, ये 2 रहेगा, और ये हो जाएगा सर आपका 1 बाय रूट 2. 2 से 2 आप कैंसिल आउट करोगे बच्चों. ये एक रिजल्ट आया, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो आप यहां पर बोलोगे सर b नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा बच्चों b1 होगा. b नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ b1 होगा. समझ में आ रही है फ्यूचर डॉक्टर्स बात, भाई ये रिजल्ट कैसे आया यार, ये मत पूछ लेना, क्योंकि अगर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है तो वहां पर यह बात आपको समझाई गई है कि फाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना. और अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का लेक्चर है उस लेक्चर को जाकर देखिए, आपको बात समझ में आएगी. सो बी नॉट इज इक्वल टू आप यहां पर लिखेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाय बी वन, और बी वन की जगह आपको लिखना पड़ेगा बच्चों म्यू नॉट करंट आई एंड होल डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे बच्चों रूट टू पाई ए.
रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, रूट टू से डिवाइड कर दो, जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा टू रूट टू। सो बी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों आपका टू रूट टू, दिस इज म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बच्चों पाई ए। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, ये एक दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, तो आप बोलोगे सर दिस इज बिकॉज ऑफ, आप यहां पर लिखेंगे सर बिकॉज ऑफ वन कॉइल, बिकॉज ऑफ वन कॉइल ओनली, मतलब बिकॉज ऑफ वन कॉइल दैट इज बिकॉज ऑफ वन टर्न, बिकॉज ऑफ कितना बच्चों, तो आप यहां पर बोलेंगे सर बिकॉज ऑफ वन टर्न ओनली। इफ देर आर सो मेनी टर्न्स देन आप यहां पर क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि एग्जैक्टली मैं यहां पर कर रखा हूं या मैं कर देता हूं बच्चों, राइट जी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बीपी की बात करोगे तो वो हो जाएगा बच्चों यहां पर आपका एनपी इंटू में आप क्या लिखोगे सर बी नॉट, दैट इज हो जाएगा सर आपका टू रूट टू म्यू नॉट, आप यहां पर लिखोगे सर एनपी इंटू में करंट आई एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई ए। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, सो सवाल बहुत आसान होते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और उसके बाद पुट करना होता है वैल्यू, राइट। सो एम इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो एम इज इक्वल टू, आप लिखोगे सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एम इज इक्वल टू एन एस, एन एस अपनी जगह रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, अब यहां पर आप आईपी, आईपी की वैल्यू आप आई कर दो क्योंकि करंट इन द प्राइमरी आपको आई दिया हुआ है, बीपी की जगह वैल्यू रख दोगे बच्चों यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, और ये हो जाएगा सर आपका क्या, दिस इज टू रूट टू, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये होगा सर पाई ए। और एरिया ऑफ द सेकेंडरी, सेकेंडरी कौन है बच्चों, सेकेंडरी है ये छोटा वाला स्क्वायर कॉइल, और छोटे वाले स्क्वायर कॉइल का एरिया क्या लिखोगे सर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर आपका रिजल्ट एंड दैट इज व्हाट, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए पाजी कि ये n का वैल्यू कितना आ रहा है जी, तो n का वैल्यू आ जाएगा सर नंबर ऑफ सेकेंडरी इनटू में नंबर ऑफ प्राइमरी होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा सर आपका पाई ए, और ये हो जाएगा सर आपका टू रूट टू, दिस इज म्यू नॉट एंड इनटू में हो जाएगा सर आपका एल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव बच्चों, तो आप बोलेंगे सर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी अगर कांस्टेंट हो, म्यूनोट अपने आप में कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए होगा, मतलब ये आपके कॉइल की साइजेस के साथ, कॉइल्स की साइज के साथ किस तरह से वेरी करेगा, तो ये भी देख लीजिए। डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक पॉइंट आया था, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कॉइल्स, अगर आप एल को बढ़ाओगे एम बढ़ेगा, अगर आप एल को कम करोगे एम आपका कम होगा, ए के साथ उल्टा है बच्चों, अगर आप ए को बढ़ाओगे एम आपका कम करेगा, अगर आप ए को कम करोगे आपका एम क्या करेगा बच्चों बढ़ेगा, बट बशर्ते क्या, यहां पर एन एस और एनपी कॉन्स्टेंट होने चाहिए, अगर नहीं है कॉन्स्टेंट यहां पर लिख देता हूं प्रोवाइडेड दैट, यहां पर क्या है बच्चों, सो दिस इज प्रोवाइडेड दैट, आप यहां पर लिखोगे सर एनएस इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू कैसे होने चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं है, अलग अलग हो लेकिन कांस्टेंट हो, ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। चलो, तो ये स्क्वायर कॉइल की पूरी कहानी थी, अब सेम कहानी हम किसके साथ कर सकते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर कॉइल के साथ, सेम कहानी हम कर सकते हैं ट्रायंगुलर कॉइल के साथ, तो ये मैं दे रहा हूं आपको एज अ ग्रह कार्य, क्योंकि आपने ट्रायंगुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के रखा हुआ है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जब आपको मैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहा था तब आपने ट्रायंगुलर कॉइल्स की वजह से, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर पॉइंट पर भाई ये सारे डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करना सिखाई थी, राइट, यहां से लगाकर ये वाला आपका वैल्यू है, ये वाला इधर आपका वैल्यू है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताया था कि ये कितना होगा, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली आया था सर डी डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री, डी डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री, और ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करना सिखाया था कि भाई ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला 90 होगा, तो दिस एंगल इज 60 और ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो अल्फा भी 60 हो गया, बीटा भी 60 हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस अब आपको यहां पर क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्फ इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। चलो, तो ये ट्रायंगुलर कॉइल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, सोलेनॉइड के लिए चूंकि इंपॉर्टेंट होता है तो यहां पर आप देख लीजिए, सोलेनॉइड में देखो ये जो केस है ना, यहां पर आपको दिखाई दे रहा फिगर में कि एक सोलेनॉइड जिसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है बच्चों N2 है, और जो सोलेनॉइड है S2, उसके अंदर हमने एक सोलेनॉइड S1 रखा है बच्चों जिसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N1 है, तो आ सोलेनॉइड S1 नंबर ऑफ टर्न्स उसके N1 है, पर यूनिट लेंथ है ये स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बच्चों, R1 L1 placed inside another solenoid S2 of number of turns N2, R2 and L2. I2 is more than I1. यहाँ पर क्या कहा है बच्चों? I2 is more than I1. या यूँ कह दीजिए कि L2. L2 is more than L1 का है बच्चों, मतलब solenoid 2 जो है वो बड़ा है solenoid 1 के comparison में. Length का variation ऐसा दिया हुआ है.
अगर आप यहां पर करंट एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड 2, इफ द करंट एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड 2, इफ यू वेरी दैट करंट, देन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड 1 विल ऑल्सो वेरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स लिंकेज विद द सोलेनोइड 1 विल ऑल्सो वेरी, बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी देयर. बच्चों कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ी आसान सी बात है. मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनोइड 2 कहां पर, एट द पोजीशन ऑफ सोलेनोइड 1, वो हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन वन आई. बच्चों म्यू नॉट एन वन आई हो जाएगा. फाइव की जगह अगर आप बात करेंगे बच्चों तो आप यहां पर वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू. आर गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? तो यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. ठीक है बच्चा, समझ में आ गया. हाँ, एक चीज जरूर यहां पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स किसका आएगा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आएगा N2 का. दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स N2, बिकॉज सोलेनोइड 2 का मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने सोलेनोइड 1 की लोकेशन पर, तो दिस विल बी N2. आई एम रियली सॉरी, राइट. फिर यहां पर देखो करेक्शन भी किया हुआ है. ठीक है, चलो अब यहां से हम अगर बात करें, ये वाला होना चाहिए सर, दिस विल बी एन वन, ये होना चाहिए बच्चों एन वन नॉट टू, क्योंकि यहां पर एन वन क्या है, सोलेनोइड एस वन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा सर छोटा एन वन इंटू में छोटा आपका एल वन. तो ये यहां पर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा सर, दिस इज आपका एल वन. गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो ये इस तरह से कहानी आपको मिल जाएगी. क्लियर है बच्चों? गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो ये था सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब सोलेनोइड के म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ साथ आप यहां पर देख लीजिए सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सवाल दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द गिवन फिगर शॉन इज. अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है सर, सीधी सी बात है, अगर आप इसमें देखोगे सर, करंट सपोज मान लीजिए आई है और वो वेरिएबल करंट है. कैसा करंट है बच्चों? वेरिएबल करंट है. आपको चाहिए सर म्यूचुअल इंडक्टेंस. अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट था इसलिए हम सेंटर पर कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड टोटल आपको चेक करना पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पॉइंट से आप आगे की तरफ बढ़ोगे जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा इस स्क्वायर कॉइल के साथ वो क्या करेगा बच्चों, वैरी करेगा. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड और होगा. मतलब अगर मैं यहां पर एक ऐसा रास्ता बनाऊं और यहां पर खड़ा करूं चुन्नू को, और जब चुन्नू चलकर जाएगा बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ, तो चुन्नू बोलेगा कि मेरे हाथ में अगर मैग्नेटिक कंपास है तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते बढ़ते मेरा मैग्नेटिक कंपास का निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है. तो वो बोलेगा कि यहां पर मेरे निडल को ध्यान में देखो, मेरा निडल अगर डिफ्लेक्ट होगा कम तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड होगा कम, और अगर डिफ्लेक्ट होगा ज्यादा तो मैं बोलूंगा डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा ज्यादा. अब हमें पता है सर रिलेशन, तो हम यहां पर चेक कर लेते बच्चों फटाफट से. पहले यहां पर देखिए, अगर आप देखते हैं सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस हम अब कैसे डील करेंगे. अगर मैं यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूं बच्चों, क्या ले लूं मैं, एक छोटा सा स्ट्रिप, कहां पर, तो आप ले लीजिए सर एट ए डिस्टेंस एक्स. कहां पर ले लीजिए बच्चों, एट ए डिस्टेंस एक्स, जिसका थिकनेस कितना बोलोगे, जिसका थिकनेस हम बोलेंगे सर डीएक्स. छोटा सा स्क्वायर स्ट्रिप लिया है, जिसका एरिया क्या लिखोगे, जिसका एरिया लिखेंगे सर हम डीए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर जी आपका, दिस इज बी इंटू में एक्स. क्या लिखोगे बच्चों, मैंने एक्स लिख दिया सॉरी, ये हो जाएगा सर एरिया इसका बी इंटू में डीएक्स हो जाएगा, दिस इज द एरिया डीए. चलो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन ऑफ करंट इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखोगे, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, फॉर्मूला जो सिखाया था वो ऐसा था ना सर, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्राइमरी. यहां पर क्या आता था बच्चों, यहां पर एरिया ऑफ द सेकेंडरी एंड होल डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी. अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनना, ये तो था फॉर्मूला, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वेरिएबल है, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स वन मान के चलेंगे बच्चों. तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका यहां पर इस स्क्वायर कॉइल का क्या ले लीजिए बच्चों, वन. एक ही स्क्वायर कॉइल है इसलिए एनएस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एनएस का वैल्यू हो जाएगा वन. भाई ये तो वायर है तो इसका तो एनपी होने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन अगर आप यहां पर बात करेंगे तो मैं लिखूंगा सर डीएम, छोटा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर आपका यहां पर डीबीपी, है ना, या मैं डीबी वायर लिखूंगा, मैं इसको बी की पी की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, वायर. सर वायर क्यों लिखोगे और आपने डी क्यों लगा दिया, यह भी मैं समझाता हूं. भाई मैंने डी इसलिए लगा दिया क्योंकि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, छोटा सा वेरिएशन होगा ना, छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, या यूं कह दीजिए कि डी बी लगाने के बजाय आप केवल डी को हटा दीजिए, चलो आप परेशान नहीं हो. यहां पर मैंने लिखा बी बिकॉज ऑफ द वायर, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ क्या है, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कॉइल मुझे वायर दिया हुआ है. फिर क्या लिखोगे सर, एरिया.
एरिया किसका, जिस पर्टिकुलर सिस्टम का आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं एरिया उसका लेना होता है। अब एरिया किसका लेंगे बच्चों, इस छोटी सी स्ट्रिप का, क्योंकि हम इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर AS की जगह क्या लिखोगे सर, बी इंटू में डीएक्स, बोलो हाँ या ना, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर आपका जो करंट है किसमें, इस वायर में। अब इसको क्या करना है यार भाई साहब, इसको इंटीग्रेट करना है और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलो जी करते हैं वैल्यू, तो लिखेंगे सर डीएम इज इक्वल टू यहां पर आपका बी बाई आई, तो कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर कर दिया, बी की जगह इस पोजिशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वायर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इस वायर को मैं इनफाइनाइट ले लूं बच्चों, इस वायर को मैं क्या ले लूं बच्चों, इनफाइनाइट, और चूंकि कुछ दिया नहीं है तो मैं इनफाइनाइट इसे मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा सर आपका म्यू नॉट, ये क्या होगा बच्चों आपका म्यू नॉट करंट आई एन डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स, ये रिजल्ट होता है बच्चों, ये तरीका होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, वायर से एक्स डिस्टेंस पर, और कहां पर है तो वो है इस स्ट्रिप की पोजिशन पर, और हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसका निकाल रहे हैं बच्चों, इस छोटी सी स्ट्रिप का। तो यहां पर B की जगह लिखना पड़ेगा बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपको 2 पाई x लिखना पड़ेगा, और इनटू में एरिया क्या हो जाएगा बच्चों आपका B इनटू में dx। अब समझना ध्यान से, I से I का प्रोग्राम काटी काटी हो जाएगा, गेट्स कैंसिल, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाओ, तो आप लिखोगे सर dm इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, और नीचे का आपका 2 पाई कांस्टेंट है। जाएगा कौन इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में जाएगा बच्चों 1 बाय x किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। मुझे इस तरह से इस स्ट्रिप को पास लाना है या दूर ले जाना, सो दैट कि पूरा स्क्वायर क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। अब इस पूरे स्क्वायर को कवर करने का मतलब क्या है, तो जब मैं एक्स का वैल्यू, जब मैं एक्स का वैल्यू ए करूंगा बच्चों, मैं इस वाली लाइन पर आ जाऊंगा, एक्स इज इक्वल टू ए होगा, मैं यहां पर आ जाऊंगा, और जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो जब आप बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा, तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, आप राइट हैंड वाली साइड पर पहुंच जाएंगे। पूरा स्क्वायर कवर हो गया कि नहीं बच्चों, पूरा स्क्वायर कवर हो गया। तो लिमिट्स कैसे सेट हो रही है समझ में आ रहा है, तो x इज इक्वल टू ए से कहां जाएंगे बच्चों हम, x इज इक्वल टू ए प्लस बी से। चलो जी इंटीग्रेट करने का सवाल आता है, तो इंटीग्रेट करने का सवाल आएगा तो आप यहां पर बोलोगे सर जब x इक्वल टू जीरो है, सॉरी जब x इक्वल टू ए है, मतलब आप खड़े हो इस स्क्वायर के यहां पर, तो भाई आपका यहां पर तो कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं मिलेगा, मतलब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा जीरो, और जब आप यहां पर पहुंच जाओगे तो आपको टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा m। तो आप यहां पर बोलोगे सर m का वैल्यू इज इक्वल टू आपका b म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों ln ऑफ x, क्या इंटीग्रेशन आएगा बच्चों ln ऑफ x, और ये हो जाएगा सर a प्लस बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए एंड देन इसे खत्म कर दीजिए बच्चों, राइट जी। तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एक मिनट। सो सी हियर, यहां पर बच्चों राइट, सो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तो m इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर m इज इक्वल टू, दिस इज आपका म्यू नॉट इंटू में b डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर 2 पाई, और यहां पर इंटू में आपको रखना पड़ेगा सर दिस इज आपका ln, और आप लिखेंगे सर अपर लिमिट मतलब a प्लस बी, माइनस लोअर लिमिट मतलब आप बोलेंगे सर ln ऑफ a, और आपको यह भी पता है सर ln ऑफ m माइनस n जब होता था हम उसको ln ऑफ m बाई n लिख सकते हैं। तो यहां पर आप इसे क्या लिखेंगे सर, दिस सिंपल थिंग कैन बी रिटन एज ओवर करके बच्चों, तो दिस इज आपका म्यू नॉट b डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर 2 पाई, और ये हो जाएगी सर आपका ln a प्लस बी डिवाइडेड बाय a। तो जब आप ये देखते हो बच्चों a से a डिवीजन में होके 1 हो जाएगा, तो बचेगा इधर सर 1 प्लस b बाय a, 1 प्लस b बाय b, b बाय a सॉरी, एंड यहां पर ये वाला ऑप्शन आपको परफेक्टली फिट बैठता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फिजिक्स का पेपर टफ होगा। अब ये सवाल देखो जरा, यहां पर इस सवाल को देखकर बच्चा बोलता है सर इसमें तो इंटीग्रेशन यूज हुआ है, इतनी मैथमेटिक्स हमें नहीं पूछी जाती, हम तो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। अरे भाई साहब आप आनंदित होकर पढ़िए, आप सब पढ़िए, सब सीखिए, अगर आपको फिजिक्स आ जाएगा तो फिर क्या नीट, क्या एम्स, क्या जीपर, क्या मेन्स, क्या एडवांस, आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना चाहिए, तो अच्छे सवाल हम करेंगे बच्चों तभी तो हम अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। इसलिए डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि यार ये किस लेवल का या उस लेवल का है, मैं यहां पर हर वेरिएशन आपको करवाता हूं बच्चों, ताकि आप बेहतर सीख सकें, ताकि आप क्वालिटी सीख सकें, ठीक है जी। दैट इज वाई यहां पर ये चीजें करते हैं, बिकॉज दिस इज द क्वालिटी फॉर विच अनअकैडमी स्टैंड्स बच्चों, राइट जी। दैट इज वाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल। अब यहां पर एक छोटे छोटे सवाल है, इसको देख लीजिए। व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ आर डबल्ड,
कीपिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज सेम। अब ये मैंने आपको बता दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए आप इसे क्या करिएगा, थोड़ा सा सोच विचार कर करिएगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट जी। अगला सवाल एक और यहां पर आ जाता है, व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड व्हेन एयर इनसाइड द सोलेनॉइड इज रिप्लेस्ड बाय आयरन ऑफ रिलेटिव परमीएबिलिटी म्यू आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कभी हम सोलेनॉइड में से एयर को निकालकर उसकी जगह सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज विद दैट विल इंक्रीज, और अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो आपको बात समझ में नहीं आ रही कि यहां पर आपका सेल्फ इंडक्ट, यहां पर आपका जो इंडक्टेंस है दैट विल इंक्रीज, चाहे वो आपका सेल्फ हो चाहे वो आपका म्यूचुअल हो, दोनों ही तरह के इंडक्टेंस बढ़ जाएंगे बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज की कहानी में। अब यहां पर रिलेशन, ये काम मैं आपको थोड़ा सा घर पे दे रहा हूं बच्चों। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिजल्ट प्रूव करवाया था, राइट, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल था और इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल थी, ठीक है। अब इसके रेडियस यहां पर आपको पता था सर R1 और इसकी रेडियस आपको पता थी R2, इसका आपने M कैलकुलेट किया था। अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे एसोसिएटेड जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो L1 है और इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L2 है, क्या आप L1 और L2 सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारा आंसर होगा यस सर, वी कैन कैलकुलेट। तो आप L1 और L2 को सेपरेट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई जब करोगे बच्चों और जब उसका अंडर रूट लोगे तो वो फॉर श्योर किसके बराबर आएगा, M के बराबर। अब यहां पर बाहर आपने K क्या किया है, दिस K इज नोन एज बच्चों कपलिंग फैक्टर। इस K को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग फैक्टर कहेंगे। कपलिंग फैक्टर का मतलब यह है कि ये कितने पास पास है, कितने दूर दूर है, इनका ओरिएंटेशन कैसा है बच्चों। कपलिंग फैक्टर हमेशा यहां पर अगर परफेक्टली टाइट मतलब जैसा आपको सोलेनॉइड में दिखा था ना, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल, मतलब वो परफेक्टली टाइट सिचुएशन हुई, वहां पर K का वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज K इज ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों। और 90 डिग्री अगर एंगल हो जाता है तो K का वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो दिस इज द ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन आपका M एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? चलिए, तो आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगली क्लास में हम करेंगे बच्चों LR सर्किट, अगले क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर्स एंड LR सर्किट, मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, मतलब आपका ग्रोथ ऑफ द करंट एंड डीके ऑफ द करंट। जैसे हमने पढ़ा था ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट सिमिलर टू दैट होता है, राइट जी। सो उसके लिए, उसके पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं बच्चों। 1 ईयर एंड 2 ईयर, द 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन विद द कोड नीट लाइव इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू बच्चों, राइट, जो आपको यहां पर आपके फ्यूचर को पाने में मदद कर सकती है, और वो भी कितने पर बच्चों, 60 रुपीज पर डे में, राइट जी। टाइमिंग्स आपको बताई है, राइट, एंड एट लास्ट डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड नीट लाइव टू कम ऑन द प्लस, ठीक है जी। एंड एट लास्ट बच्चों आपको कहूंगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वी हैव ऑल्सो सिस्टर चैनल्स अनअकैडमी जेई एंड अनअकैडमी फाउंडेशन, टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ऑल्सो। एंड अनअकैडमी नीट इज नॉट अ चैनल बच्चों, ये तो हमारा परिवार है, आपका और हमारा परिवार है, और अगर आप इस प्यारे से परिवार के सदस्य बनते हैं सब्सक्राइब करके तो आप कई सारी चीजों का फायदा ले पाते हैं अपने घर बैठे, राइट जी। तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, एंड सेशन को शेयर, लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। शेयर ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट विद हैशटैग नीट लाइव डेली। इफ आई फाउंड योर पोस्ट पब्लिकली ओवर देयर आई विल मैसेज यू पर्सनली, एलविन कनेक्ट टुगेदर फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, विद प्यारी प्यारी चॉकलेट्स एंड हार्ट्स। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी त्योहार।